अच्छा सर बताना, अपना नाम बताना, क्या नाम आपका? अच्छा सर, ये जो रास्ता बन रहा, पौड़ियाँ बनी हुई है रोड के बीचों बीच बन गई, इससे क्या दिक्कत हो रही है आपको कुछ, या किसी ग्रामीण को आने जाने में दिक्कत होगी, इसके बारे में कुछ? सर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आने जाने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर जनहित के बारे में बात की जाए तो ये जो रोड मेन रोड है ना, तो किसी को भी धोखा लग सकता है, वो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए। अच्छा, ये बाकी नीचे आने जाने के लिए तो वैसे। अच्छा, ये जो पुराना रास्ता था गाँव के लिए जाता था, वो यहीं से जाता था? साथ में था। अच्छा साथ में था, यहाँ से नहीं था, थोड़ा साइड से था। अच्छा सर आप बताएंगे कुछ? नहीं बोला, मैं तो नहीं बोल सकता। अच्छा। नहीं बोल, नहीं बोला सर, आप बोलिए कुछ। तो पुराना तो यही था ना, यहाँ से था। क्या नाम क्या है सर आपका? संजय कुमार। अच्छा संजय कुमार जी, सर बताएंगे आपकी ये जो पौड़ियाँ बन गई और आधी रोड में आ गई, रोड खोलने का कोई मतलब आपको दिख रहा है इसमें कि रोड है? कोई मतलब नहीं है। तो ये कल को कोई हादसा हो जाता है तो हो सकता है हादसा, आपको लगता है ऐसा कुछ कि हादसा हो सकता है यहाँ से? सामने दिखाई दे रहा है, ये जो 4 फुट रोड के बीच में पौड़ियाँ निकाल दी, इसको निकाल के रोड खोलने का कोई मकसद लग रहा है? गाड़ियाँ तो अभी बाहर से निकल रही है, तो इसका कोई है मकसद है, या कोई टू व्हीलर वाला, कोई रात को हादसा हो सकता है तो इसका कौन जिम्मेवार होगा? ये विभाग जिम्मेवार होगा, PWD या अधिकारी या कोई है? अच्छा हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है करलू में एक डंगे का काम चल रहा है, वो यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि एक खास परिवार को ये फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि रोड के बीचों बीच पौड़ियां निकाल दी है, जो एक हादसे का कारण बन सकती है। कभी भी गाड़ियां आ रही हैं, देखो ये रोड खोलते हैं इसलिए हैं कि वाहन आ जा सके, क्रॉसिंग हो सके, इसलिए रोड को खोला जाता है। पर इसको रोड को खोलने का कोई मकसद हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी रोड के बीचों बीच 4 फुट जो रोड है उसके बीच में पौड़ियां आ गई हैं, कोई बच्चा बूढ़ा कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है, यहां से अचानक पौड़ियों से अगर निकलता है तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है कभी भी, और उसका जिम्मेवार कौन होगा ये अधिकारी लोग बताएंगे, अभी हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा, ये ग्रामीण अभी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो पौड़ियां थी यहाँ साइड से थी, अच्छा यहाँ से सीधी पौड़ियां थी जिसको कन्वर्ट करके यहाँ बीच में निकाल दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है विभाग की। पौड़ियां उधर लगी हैं लेकिन बाहर लगी है पैरापेट से बाहर। अच्छा हाँ, क्यों लगाई है बीच में? ये बीच में हादसे का कोई टू व्हीलर आ जाए, कोई क्रॉसिंग करते टाइम को बड़ा हादसा हो सकता है, तो ये कौन जिम्मेवार होगा इसका? अभी हम यहाँ जो कार्य कर रहे हैं उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों ऐसा किया जा रहा है और किसके कहने पे किया जा रहा है। अच्छा नहीं, ये जो पौड़ियां हैं बनाई गई, आपको लग रहा है गलत है ये? अच्छा ये पौड़ियां बाहर से बनी, नहीं तो ये ग्रामीणों का कुछ कहना है यहाँ की किसी खास परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? कोई नहीं, किसी का कहना नहीं। अच्छा तो किसी के साथ बात नहीं, ना मेरे घर नहीं, ये आपको खुद लग रहा है कि गलत है, गलत कार्य हुआ है? बाहर कर लेंगे पौड़ियां, जब बोल लिया भी एक बार बोल लिया पौड़ियां बाहर करेंगे, इसमें तो गलती हमारी पौड़ियां जब बाहर हो जाएंगे सर। अच्छा ये जो कार्य कर रहे हैं यहाँ ठेकेदार के बंदे, ये कह रहे हैं कि ये गलती से इनसे कार्य गलत हो गया है। संजू आया था, उसने बोला कि बाहर से पौड़ियां निकालेंगे और ये बाहर से की जाएगी, क्या बनाने की? और ये वाटर सप्लाई जो स्लीपिंग होगी इसकी कौन जिम्मेवार होगा? पानी का ये भी तो लाओ ना न्यूज। हाँ ये भी आ जाएगी इसमें भी लगा। चलो वो भी हम पूछने की कोशिश करेंगे विभाग से। थोड़ा सा का एक दिन का काम है ये, कुछ ज्यादा तो है नहीं। अच्छा ये साथ में ये डंगा लगा है, इसके साइड में दूसरे घर के लिए पौड़ियां बनाई गई हैं, ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि डंगे के बाहर लगाई गई हैं, जो कि काफी खुद लगाई गई है, इन्होंने खुद लगवाई है और ये ठीक है, मतलब इसका कोई हादसा नहीं हो सकता है। पर वो जो पौड़ियां हैं वो सामने दिख रहा है कि गलत है, और ये जो ठेकेदार के मुंशी साहब हैं पीछे से वीडियो बना रहे हैं, इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि ये कार्यस्थल पे यहाँ मौजूद थे मौके पर और देख रहे हैं कार्य को, निरीक्षण कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे थे।
कि हम ठेकेदार के मुंशी से जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना। अच्छा मुंशी साहब अपना नाम बताना। अच्छा ये जो पौड़ियां बनी हैं ये ग्रामीणों का कहना है कि गलत बनी है, आपको क्या लगता है गलत बनी है? तो ये कब तक हो जाएगा कार्य? चल रहा है बस, कल तक कर देंगे। अच्छा कल तक ये डंगे के बाहर हो जाएंगी पौड़ियां। अगर कोई इसके दौरान कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? अगर कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? नहीं, इसके बीच में अगर आज ही रात को कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? सर मिट्टी का ढेर लगा लेंगे, दोनों साइड मिट्टी रख लेंगे। अच्छा चलो, ये मुंशी साहब बोल रहे हैं कि अभी कोई हादसा ऐसा नहीं हो सकता है, हम वहाँ मिट्टी रख देंगे ताकि दूर से ही पता चल जाए कि यहाँ कोई रुकावट है।